हार्ट अटैक पुरुषों को ज्यादा होते हैं कि महिलाओं को? महिलाओं को ना के बराबर हार्ट अटैक होते हैं, ज्यादा अटैक किसको पड़ते हैं? कारण क्या है इसका? माताएं बड़ी सहृदय होती हैं, वो अपने हृदय में ज्यादा कुछ नहीं रखती। रोना आया तो रो लेंगी, गुस्सा आया तो सुना देंगी, और कोई बात है तो कह देंगी। वो आदमी अंदर ही अंदर उसको रखे रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं रोऊंगा तो कोई क्या कहेगा, इस फ्रेंड ने, अरे रो रहा है, किसी को कहूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसी बात कर रहा है। तो व्यक्ति पुरुष जो है वो बहुत कुछ सहनता रहता है, दबाए रहता है, अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, कई बार अंदर ही अंदर बड़ी कुंठा से भर जाता है। और उसका कारण नहीं तो खान पान तो एक जैसे ही होता है कि नहीं घर में? इसलिए भैया प्रसन्न रहना सीखिए, क्योंकि जिंदगी है मिली खुश नसी के लिए है? इसको आनंद से जिए। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है तो वो अपनी मन की बात सहज प्रकट कर देती हैं। ये बुराई नहीं है। कई लोग कहते हैं कि स्त्रियों की निंदा की गई है कि अरे माताओं के अंदर कोई बात नहीं छुपती, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनके हृदय की कोमलता है। और वो तो आपको पता होगा कि एक बार वो युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया था कुंती मैया को, वो कथा सुनी आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुनी है? देखो हम इसलिए बार बार आप लोगों से कुछ पूछते हैं कि आपका ध्यान इधर उधर हो रहा हो तो इधर आ जाए। हाँ, वो कर्ण जो है कुंती के बेटे थे, ये बात कुंती ने आजीवन छुपाए रखी। लेकिन जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब पांडवों को पता चला कि जिनको हमने मार डाला वो हमारे बड़े भाई थे। पांडवों को बहुत दुख हुआ, हमने जीवन भर उनसे द्वेष रखा, हम जीवन भर उनके चरण नहीं स्पर्श कर पाए, कभी उनसे मिले नहीं, और आखिर में हमारे हाथों उनकी मृत्यु हो गई। अरे माँ, तूने पहले बताया होता कि वो हमारे बड़े भाई है तो ऐसा क्यों होता? हम उन्हें सम्मान पूर्वक यहां लाके रखते। युधिष्ठिर ने कहा, माँ तूने इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, मैं पूरी स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि कोई बात इनके अंदर छुपेगी नहीं। तो यह भी एक कारण कहा जाता है। अब वो पानी भरने गई, कुछ उदास परेशान थी, किसी सहेली ने पूछा, आजकल बड़ी उदास रहती हो, क्या बात है? अरे क्या बताएं, नहीं नहीं बताओ। तो बेचारे ने कह दी, हमारे देवर जी की हत्या द्वारिका नाश ने करवा दी। अच्छा, पर बहन किसी से कहीं ना नहीं? अरे बोली, बहन जब तूने किसी से नहीं कही तो मैं कैसे कहूंगी। और उसने भी अपनी सहेली से कह दी। धीरे 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 पूरे द्वारिका में बात फैल गई। अच्छा एक बात ध्यान देना कि कभी आपको कोई बात सब जगह फैलानी हो तो जिसको आप बता रहे हो उससे धीरे से ये कह दो, ये बात किसी से कहना मत। यदि आपने अपनी बात बतला दी तो उतनी बड़ी गलती नहीं की, पर साथ में यदि ये कह दिया कि ये बात किसी से कहना मत, तब तो वो जरूर कहेगा।